हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। गुजरात के नए सीएम होंगे भूपेंद्र पटेल। विजय रूपानी ने खुद उनके नाम का प्रस्ताव रखा। कल सिर्फ भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दोपहर 2:20 पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में शामिल होंगे गृह मंत्री शाह, हरियाणा के सीएम और एमपी के सीएम भी हिस्सा लेंगे। भूपेंद्र पटेल को सीएम चुने जाने पर नितिन पटेल नाराज दिखे। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ राजभवन नहीं गए। भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाए जाने के निर्णय से खुश दिखे विजय रूपानी। कहा, भूपेंद्र जी सक्षम है, हम उनके नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे। सीएम योगी की कुशीनगर को सौगात। 400 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कुशीनगर की रैली में अखिलेश यादव पर सीएम योगी का अटैक। कहा, पहले की सरकारों में राशन नहीं मिलता था क्योंकि अब्बा जान कहने वाले ही राशन हजम कर जाते थे। मिशन यूपी पर रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में प्रियंका गांधी कर रही है दर्शन। उसी दौरान आपस में ही कार्यकर्ता भिड़ गए। उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। संजय राउत ने जानकारी दी, यूपी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। किसी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा नहीं। फिर से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक चुने गए अरविंद केजरीवाल। पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में फैसला। पंकज गुप्ता फिर से बने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। एनडी गुप्ता को दोबारा कोषाध्यक्ष चुना गया। उत्तराखंड के कांग्रेस विधायक राजकुमार बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में सदस्यता ली। भवानीपुर से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल करेंगी सोमवार को नॉमिनेशन फाइल। बोली, टीएमसी लोगों से उनके अधिकार छीन रही है। टीएमसी का बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप। कहा, महिला आरक्षण बिल नहीं हुआ पास, 2014 के मैनिफेस्टो में ऐलान किया था। दिलीप घोष का ममता पर बयान। कहा, भवानीपुर में नंदीग्राम रिपीट होगा, ममता के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। भवानीपुर में बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज हुआ। सड़क पर जगह जगह लगाए गए बीजेपी के झंडे। 17 सितंबर को कृषि कानून के लागू होने के 1 साल पूरा होने पर काला दिवस मनाएगी शिरोमणि अकाली दल। संसद भवन तक प्रोटेस्ट मार्च भी करेंगे। शिरोमणि अकाली दल के प्रदर्शन पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, किसानों के लिए नहीं अपनी सियासी जमीन बचाने में लगे हैं। कांग्रेस ने तेलंगाना में राजनीतिक मामलों के लिए समिति का गठन किया। सांसद मणिकम टैगोर करेंगे समिति की अध्यक्षता। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली का बयान। कहा, कुछ नेताओं ने किया G23 का दुरुपयोग, कांग्रेस में लाए जाएं प्रशांत किशोर। बीजेपी नेता जयंत सिन्हा ने झारखंड की हेमंत सरकार को असक्षम बताया। कहा, एयरपोर्ट निर्माण के लिए अब तक नहीं दिए NOC। कलबुर्गी नगर निगम चुनाव में GDS के साथ होगा कांग्रेस का गठबंधन। मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर होंगे कांग्रेस और GDS। नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अमरिंदर को पत्र लिखा। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर हुई FIR वापस लेने की मांग। कांग्रेस नेता KTS तुलसी का बयान। कहा, राजनीतिक फायदों के लिए किसानों से सहानुभूति दिखा रहे हैं सभी दल। प्रधानमंत्री मोदी की पैरालंपियन से मुलाकात का वीडियो जारी। 9 सितंबर को पैरालंपियन से मुलाकात की थी प्रधानमंत्री मोदी ने। सभी पैरालंपियन से स्टॉल पर सिग्नेचर भी करवाए थे। खिलाड़ियों के दस्तखत किया स्टोल गले में पहना। पशुपति पारस ने भाई रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। तेजस्वी यादव ने भी याद किया। नीतीश कुमार ने दूरी बनाई रामविलास पासवान की पहली बरसी पर। चिराग पासवान की मांग, राष्ट्रीय शोक की घोषणा हो, राज्य में लगाई जाए पिता की प्रतिमा। रामविलास पासवान की पहली बरसी पर PM मोदी की इमोशनल चिट्ठी। लिखा, देश के महान सपूत, बिहार के गौरव और सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद रहे। नागपुर में अधिकारियों पर जमकर बरसे नितिन गडकरी। कहा, अच्छा काम करोगे तो माला पहनाएंगे, नहीं तो रिटायर करा देंगे। सीएम योगी ने संत कबीर नगर में जिला कारागार का लोकार्पण किया। कहा, संत कबीर नगर समेत 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेजेस होंगे। नोएडा के 3 दिन के चुनावी दौरे पर पहुंचे यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा। ग्रेटर नोएडा के कुलेश्वरा में ब्राह्मण भूमिहार सम्मेलन में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य AK शर्मा ने PM मोदी और सीएम योगी के कामकाज की तारीफ की। कहा, समाज के हर वर्ग के लिए काम करती है बीजेपी सरकार। स्विट्जरलैंड इज महीने भारतीय नागरिकों से जुड़े स्विस बैंक खातों की डिटेल्स देगा। भारतीयों की प्रॉपर्टी और इनकम की भी जानकारी दी जाएगी। राजौरी में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर हुआ। श्रीनगर के खानिया में आतंकी हमला, एक पुलिस अधिकारी शहीद। आतंकियों की तलाश जारी। बारामूला में बादल फटने से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हुई, एक शख्स लापता। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा का बयान। जम्मू कश्मीर में 65% आबादी 35 साल के कम। अब तक 12,000 पदों पर भर्ती की गई। पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर रिलीज की फाइल। भारतीय अधिकारियों द्वारा कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। नीट परीक्षा में छूट को लेकर सोमवार को विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी तमिलनाडु सरकार। दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में बड़े बच्चों में वायरल फीवर के मामले, कई बच्चों की हालत गंभीर। जोरहाट नाव हादसे के मामले में 6 कर्मचारी गिरफ्तार हुए, सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स के मामले में एक नाइजीरियन समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 30 करोड़ के ड्रग्स जब्त हुए।
बंगाल में हिंसा समेत कई अन्य मामलों को लेकर सीबीआई की कार्रवाई, अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई की निर्भया के बाद 14 साल की बच्ची के साथ उल्लासनगर रेलवे स्टेशन के पास रेप हुआ, आरोपी गिरफ्तार, स्वाट के तहत एफआईआर भी दर्ज हुई। मुंबई में साकिना का रेप केस को लेकर बीजेपी की महिला मोर्चा ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। साकिना का रेप केस पर बोली एनसीडब्ल्यू सदस्य चंद्रमुखी देवी, महाराष्ट्र में लगातार हो रही है रेप की घटना, राज्य सरकार काबू करने में नाकाम। नागपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई एक शख्स की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान पांव फिसला। थाने में ऑनलाइन रिचार्ज का झांसा देकर 6,25,000 की ठगी, केस दर्ज हुआ। महाराष्ट्र के सांगली में नकली पुलिस बनकर सोने की चेन की हेराफेरी हुई, आरोपी गिरफ्तार, 1,35,000 का सामान भी जब्त हुआ। थाने में 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरा, 2 की मौत, 1 घायल। ओबीसी आरक्षण को लेकर बोले नाना पटोले, कहा केंद्र से ओबीसी डेटा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए महाराष्ट्र सरकार। मराठा क्रांति मोर्चा का ऐलान, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 17 सितंबर को सीएम ठाकरे के औरंगाबाद दौरे का विरोध करेंगे। इंदौर में सेल्स टैक्स ऑफिसर बनकर ठगी करने का मामला, 4 बदमाश गिरफ्तार हुए। इटावा में 2 बहनों के साथ गैंगरेप का मामला, महज 12 घंटों में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जालौन में अवैध हथियार के साथ पकड़े गए 4 चोर, 2 अवैध तमंचे और कारतूस भी जब्त हुआ। यूपी के औरैया में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, अवैध हथियार और जिंदा कारतूस भी जब्त किया। हाथरस पुलिस ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया, 1 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद। ललितपुर में पकड़े गए 2 शातिर चोर, पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद किया। यूपी की गया में एसबीआई कार्ड से लाखों की ठगी करने का मामला, एसबीआई के असिस्टेंट मैनेजर और पूर्व असिस्टेंट मैनेजर भी गिरफ्तार। यूपी के गया में 40 करोड़ की ठगी का मामला, एसटीएफ ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। आगरा में डेंगू के रोकथाम के लिए लगाया गया विशेष मेडिकल कैंप, लोगों के मेडिकल टेस्ट भी किए गए। लखनऊ में गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट, हिस्ट्री शीटर की सरेआम हत्या, हिरासत में लिए गए 3 आरोपी। रामपुर में टीचर ने 11वीं क्लास की लड़की के साथ बदसलूकी की, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज, टीचर गिरफ्तार। इस बार भी अयोध्या भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएगी रामलीला, बॉलीवुड के 35 कलाकार भी लेंगे हिस्सा। कर्नाटक के सीएम बेंगलुरु में लॉन्च की 120 एम्बुलेंस, सीएम ने कहा स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होगी। रूस के ड्यूमा चुनाव में तिरुवनंतपुरम में रहने वाले रशियन लोगों ने लिया हिस्सा, बूथ पर जाकर वोटिंग भी की। शिमला में ज्वेलरी शॉप से 8 लाख का सोना चुराने के आरोप में 3 लोगों की गिरफ्तारी, आरोपियों से सोना चांदी और नकदी बरामद। एमपी में इस साल 2,400 से ज्यादा लोगों को डेंगू हुआ, 95 लोगों का इलाज चल रहा है। कोझिकोड के विमान हादसे की जांच रिपोर्ट जारी, पायलट को ठहराया गया जिम्मेदार। गोवा, हिमाचल प्रदेश समेत 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 प्लस वाले सभी लोगों को लगी पहली डोज, स्वास्थ्य मंत्री ने बधाई दी। देश में वैक्सीनेशन की सुपर रफ्तार बरकरार, अब तक 74 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई गई हैं। देश में कोरोना के 28,591 नए केसेस, 24 घंटे में 338 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना से 20,240 लोग संक्रमित हुए, एक दिन में 67 मरीजों की मौत। केरल में हटाया गया रविवार का लॉकडाउन, सड़क पर लोग नजर आए। निपाह वायरस से मरने वाले बच्चे के संपर्क में आए लोगों की रिपोर्ट आई नेगेटिव, 4 लोगों के सैंपल्स लिए गए थे। कर्नाटक में निपाह वायरस से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी, केरल से आने वाले लोगों की हो रही है निगरानी। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,190 नए मरीज मिले, वहीं 11 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,623 नए केसेस, 24 घंटे में 46 ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 22 नए मामले, 24 घंटे में 1 की भी मौत नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में डोर टू डोर वैक्सीनेशन के तहत 63,000 लाभार्थियों को वैक्सीन लगेगी। नागपुर के 12 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, पुणे ट्रेनिंग सेंटर से लौटने के बाद पॉजिटिव आई रिपोर्ट। अफगानिस्तान की सरकार को मानने से भारत का इनकार, एस जयशंकर ने कहा अफगान की तालिबान सरकार को नहीं देंगे मान्यता। भारत ने तालिबानी शासन को चेतावनी दी, अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना हो। अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर बैठे तालिबानी, राइफल लेकर पंखों पर बैठा नजर आया तालिबानी लड़ाका। अफगानिस्तान में तालिबान का खौफनाक चेहरा, एक लड़के के पैर बांध कर बेरहमी से पीटा गया, तलवों पर कोड़े बरसाए गए। तालिबान की जुल्म की एक और तस्वीर, घर में घुसकर महिला की पिटाई की, एक भाई को अगवा किया, दूसरे को गोली मारी। काबुल में राष्ट्रीय सेना की गाड़ियों में खेलते दिखे बच्चे, अफगानिस्तान छोड़ते वक्त एनए ने क्षतिग्रस्त की थी गाड़ियां। तालिबान का फरमान, बिना पुरुषों वाली क्लास में पीजी तक पढ़ सकती हैं लड़कियां, हिजाब पहनना जरूरी होगा। तालिबानी राज में काबुल यूनिवर्सिटी की पहली क्लास, लड़कियों को बुरके में बुलाया गया, शरिया कानून की शपथ दिलाई गई। इसराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों को बनाया निशाना, शनिवार को हुए रॉकेट हमले का जवाब दिया। ताइवान में तूफान जिंटू का कहर, तटीय इलाकों से निकाले गए करीब 2,000 लोग। वियतनाम को रक्षा उपकरण देगा जापान, दोनों देशों के बीच मिलिट्री सहयोग को लेकर डील। पाकिस्तान के पेशावर में 3 घरों पर गिरी आकाशीय बिजली, महिला और बच्चे समेत 14 लोगों की मौत। बांग्लादेश में करीब 1.5 साल बाद खुले स्कूल, शिक्षकों ने फूल और चॉकलेट्स देकर बच्चों का स्वागत किया। डेनमार्क में हटाई गई कोरोना पाबंदियां, कॉन्सर्ट में शामिल हुए हजारों लोग। इंग्लैंड टेनिस प्लेयर एमा राधुकानु ने रचा इतिहास, 18 साल की उम्र में जीता US ओपन का खिताब। 16 सितंबर को अमेज़न प्राइम वीडियो पर
स्ट्रीम होगी। बेल बॉटम 19 अगस्त को थिएटर में रिलीज हुई थी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।